पुलगांव स्थित वृद्धाश्रम में निरीक्षण के लिए पहुंचे दुर्ग कलेक्टर से वृद्धाश्रम की बुजुर्ग महिला ने अपने दिल की बात बताई। बुजुर्ग महिला ने वृंदावन जाने की इच्छा जताई, जिसे सुन कलेक्टर ने तीर्थ यात्रा के इच्छुक वृद्धाश्रम के बुजुर्गों की सूची बनाकर प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए। जब आम लोग प्रशासन से जुड़ाव के साथ अपनापन महसूस कर अपने दिल की बात बयान करें, तो वे ऐसी निजी इच्छाएं भी रखते हैं, जिन्हें आमतौर पर प्रशासनिक कार्यों से संबंधित आम जनता नहीं मानती। ऐसा ही एक मामला पुलगांव स्थित वृद्धाश्रम में नजर आया। सेक्टर 9 हॉस्पिटल में नर्स का कार्य करने वाली 80 वर्षीय रूपा तिवारी, जो पुलगांव के वृद्ध आश्रम में रहती है, जिनसे कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा की मुलाकात हुई और कलेक्टर ने उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। इस अवसर पर रूपा तिवारी ने भावनात्मक रूप से कलेक्टर से निवेदन किया कि उनकी इच्छा वृंदावन जाने की है। इस पर कलेक्टर ने वहां उपस्थित संबंधित अधिकारियों को आश्रम में तीर्थ यात्रा के लिए इच्छुक सदस्यों की सूची बनाकर प्रस्ताव भेजने की बातें कही। गौरतलब है कि कलेक्टर पुलगांव में स्थित वृद्धाश्रम के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने आश्रम में रहने वाली सभी वृद्ध जनों से मुलाकात की और उनकी व्यवस्थाओं के बारे में उनसे चर्चा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से वृद्धाश्रम की क्षमता, खाने की व्यवस्था, रूम की सफाई व्यवस्था और उनके मनोरंजन की व्यवस्था के बारे में जानकारियां ली। वृद्धजनों के खान पान से लेकर प्रतिदिन की दिनचर्या और व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश उन्होंने दिए। साथ ही अपने निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को विशेष हिदायतें दी कि आश्रम में उपस्थित सभी वृद्धजनों की रेगुलर चेकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर से कराई जाए। ENT स्पेशलिस्ट वृद्धजनों का निरीक्षण करा उन्हें हियरिंग एड मुहैया कराया जाए। इस अवसर पर जिला पंचायत CEO श्री अश्वनी दिवांगन, SDM दुर्ग मुकेश रावटे, कमलेश पटेल, उप संचालक समाज कल्याण विभाग व अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।